बच्चों, ये है आपका लेक्चर 172 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश में पोयम 7, जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। बहुत ही सिंपल सा नाम है इस पोयम का, बहुत ही सिंपल सी पोयम है ये, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। और ये पोयम ऑब्वियसली नाम देख लो, पापा, कैट और पेड़ पे है, ठीक है। सो पोयम लिखी किसने है? पोयम लिखी है किट राइट ने, W साइलेंट है, कीट राइट, W साइलेंट हेयर, ठीक है। अच्छा, सो अब ये पोयम हम स्टार्ट लेते हैं, जो कि है आपकी इंग्लिश की NCERT यानी कि हनी कॉम्ब में पेज नंबर 107 पे। ये पोयम क्या बताती है? ये पोयम बताती है कि भाई एक बारी कैट जो है, कैट क्लाइंब कर गई ट्री। ये देखो, ये कैट है, ये बिल्ली क्लाइंब कर गई ट्री, मतलब चढ़ गई ट्री के ऊपर, ठीक है। सो वो इतना ज़्यादा ऊंचा चली गई कि वो ट्री में जाके फंस गई, स्टक हो गई। और पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। अब ऐसा हो गया कि वो बेचारी अब नीचे आ ही नहीं सक रही थी, बिना हेल्प के वो नीचे नहीं आ पा रही थी। सो अब डैड जो हैं, अब डैड ने ये बीड़ा उठाया कि भाई मैं लाऊंगा इस कैट को नीचे। सो पूरी पोयम उसी पे ही है कि कैसे डैड उसको नीचे उतारेंगे। डैड ने बहुत सारे प्लान्स भी बनाए कि कैट को कैसे नीचे उतारें, ठीक है। सो दिस पोयम इज ऑल अबाउट दिस, वेरी वेरी इजी पोयम, वेरी इजी वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस पोयम। सो वी आर बिगिनिंग इट। This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. ये poem लड़का बोल रहा है, लड़का कह रहा है आज सुबह एक बिल्ली हमारे ट्री में फंस गई। पापा बोले ठीक है, मुझ पे छोड़ दो। मतलब पापा ने ये बीड़ा उठाया कि भाई कैट को तो मैं फ्री कर लूंगा। The tree was wobbly. The tree was tall. Mom said, "For goodness sake, for goodness sake, don't fall." अब क्या हुआ? So wobbly का मतलब क्या है? Unsteady. मतलब tree जो था unsteady था, steady मतलब ऐसे नहीं सीधा खड़ा था, नहीं हिल रहा था, ठीक है। The tree was wobbly. The tree was tall. Mom said, "For goodness sake." Goodness sake मतलब गुडनेस एक मतलब माँ एक प्रोटेस्ट कर रही हैं, मतलब एक उन्हें रोक रही हैं और कह रही है अरे गिरना मत, गिरना मत, ठीक है। माँ को डर लग रहा है, मतलब ये जो इनकी बीवी हैं इनको डर लग रहा है कि इनके पति गिर ना जाएं, और इसलिए वो कह रही हैं भाई गिरना मत, गिरना मत। और ये जो कह रही हैं, ये स्टोरी है, ये जो बता रही हैं, ये लड़की बता रही हैं, ठीक है। सो फॉल, स्कॉफ्ड डैड। Climber like me, child's play this is. You wait and see. Scoffed का मतलब क्या होता है? हंसना, नहीं ऐसे कपटी टाइप हंसी, अजीब सी हंसी। तो पापा हंस के बोलते गिरूंगा, हाँ 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 मैं गिरूंगा। Climber like me, मेरे जैसा जो चढ़ने वाला है वो गिरेगा। Child's play, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम रुको रुको देखो, ठीक है। वो अपनी बीवी को ऐसा बोलते हैं। अब लड़की वापस बता रही है, ये लड़की वापस बता रही है। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। पापा कहाँ से सीढ़ी ले आए, कहाँ से सीढ़ी लाए? गार्डन के शेड पर से। गार्डन का शेड मतलब, तो गार्डन शेड का मतलब गार्डन में एक स्टोर हाउस जैसा होता है, मतलब एक माले का ऐसी छोटा सा रूम जैसा होता है या कुछ होता है, चीजें स्टोर करते हैं वहां, मतलब रखते हैं गार्डन में। सो वहां गार्डन शेड से पापा ये लैडर उठा के लाए। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। पर वो जो ये जो लैडर थी वो क्या हो गई? स्लिप हो गई, स्लिप खा गई। तो वो पापा आके सीधा गिरे कहाँ पे? इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड मतलब जो ये फूल थे गार्डन के, सीधा उनके आप ऊपर आके गिरे पापा, धड़ाम से गिरे, ठीक है। ये देखो इस सेकेंड पेज पे दिखाया गया है, पेज नंबर 108 पे, ये पापा क्या है? धड़ाम से गिरे हैं। Never mind, said dad, brushing the dirt. पापा ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और अपने जो उनको उन पे जो सारी ये डर्ट लग गई वो खुद को झाड़ने लगे।
ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। सो वो सारी जो झाड़ने लगे, सारी गंदगी झाड़ने लगे अपने बालों से, अपने मुंह से, अपने पैंट से, अपने शर्ट से। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। उन्होंने क्या बोला, अब मैं दूसरा प्लान ट्राई करता हूँ, प्लान बी। प्लान ए क्या था पापा का, कि भाई सीढ़ी लेंगे और चढ़ेंगे और कैट को नीचे उतार आएंगे, पर पापा खुद ही सीढ़ी पर से गिर गए और धड़ाम से गिरे। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा प्लान ट्राई करता हूँ, आउट ऑफ द वे, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। मम सेट डोंट फॉल अगेन, ओके। मम्मी क्या बोलती है, गिरना मत फिर से, ठीक है मत गिरना। फॉल अगेन सेट डैड, फनी जोक। सर पापा ने क्या बोला कि भाई ये तो तू बहुत फनी जोक बोल रही है, मैं क्या फिर से गिरूंगा। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। अब क्या हुआ, पापा कहाँ चढ़ गए, पापा चढ़ गए टहनी पे, ये रही टहनी, ठीक है ब्रांच पे चढ़ गए, जंप मार के स्वंग करके कहाँ चढ़े, टहनी पे। अब क्या हुआ, ये टहनी भी टूट गई, जिस ब्रांच पे चढ़े थे पापा वो तो टूट गई, ठीक है। सो इस टहनी से भी पापा गिर गए। डैड लैंडेड वलोप, लैंडेड वलोप का मतलब बिल्कुल हैवीली, एकदम धड़ाम से जोर से गिरे। बैक ऑन द डैक, सो बैक ऑन द डैक का मतलब वो नीचे आके धड़ाम से गिरे नीचे, ठीक है। डैक मतलब वो नीचे गार्डन था वो, ठीक है गार्डन है उस पे आके गिरे। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब मम्मी बोलते भाई अब तो बंद करो, बस करो, तुम अब उस बिल्ली को बचाने मत जाओ, तुम अभी अपनी नेक ही तोड़ दोगे, ठीक है अपना गला तोड़ दोगे। रबिश सैड डैड, पापा ने क्या बोला, रबिश, ठीक है बकवास बात मत करो। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम कौन सा प्लान ट्राई करेंगे, सी। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, ठीक है। ईजी एज विंकिंग मतलब मेरे लिए तो पलक झपकाने का काम है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये पलक झपकाने का काम है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। अब पापा ने नई टेक्निक निकाली, पापा ने कौन सी टेक्निक निकाली, अब वो गार्डन की वॉल, गार्डन की दीवार पे चढ़ गए। अब इस बारी तो पापा नहीं गिरे, ठीक है गार्डन की वॉल पे चढ़ गए पापा, अब चढ़ के वो नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। अब उन्होंने क्या किया, फिर बड़ा सा जंप मारा, ग्रेट लीप मतलब बड़ा सा जंप मारा और सीधा लैंड किए, फ्लैट लैंड मतलब एकदम आराम से लैंड किए। इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। सो पापा ने पहले तो गार्डन की वॉल पे चढ़े, दीवार पे चढ़े, दीवार से सीधा जंप मारा, कहाँ जंप मारा, पापा ने सीधा जंप मारा ट्री की ट्रंक पे। अब कहाँ, इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, सो क्रुक ऑन द ट्री ट्रंक मतलब इस डाली पे, स्टेरी डाली पे आके लैंड हुए। कहाँ पे आके लैंड हुए, उस कैट के ऊपर, उस बिल्ली के ऊपर सीधा। द कैट गेव अ येल, अब कैट चिल्लाई जोर से एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। कैट इतनी, बिल्ली इतनी जोर से चिल्लाई और सीधी जाके धड़ाम से ग्राउंड पे जंप किया। प्लीज डेस पंच टू बी सेफ एंड साउंड, सो प्लीज डेस पंच टू बी का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। तो कैट एकदम चिल्ला के नीचे गिरी ग्राउंड पे और बहुत खुश हो गई, सेफ एंड साउंड मतलब एकदम कुछ लगा नहीं, कैट को कुछ भी नहीं लगा। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, इसलिए कैट मुस्कुरा रही है, स्मर्क कर रही है। स्मर्क का मतलब क्या होता है, एक मतलब मुस्कुराहट, एक बनावटी मुस्कुराहट दे रही है। स्मग एस कैन बी, स्मग का मतलब खुद से बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। स्मग का मतलब बहुत ज़्यादा खुश है कैट खुद से कि भाई देखो मैं कैसे नीचे आ गई। बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल, बट जो पापा थे बेचारे पापा, स्टक अप द ट्री, स्टिल स्टक अप द ट्री, पर पापा अभी भी वहाँ फंस गए हैं, ठीक है। मतलब लास्ट में कैट नीचे आ जाती है जो फंसी हुई थी और पापा ऊपर फंस जाते हैं, ठीक है। सो ये पोयम थी किट राइट की और ये एक फनी पोयम थी, मतलब एक फन टाइप पोयम थी। एक बार फिर से आप देख लो है क्या पोयम में,
सुबह का टाइम था, कैट फंसी हुई थी इस ट्री में, इनके गार्डन के ट्री में कोई कैट फंस गई थी। ट्री बहुत ही अनस्टेडी था, तो डर था कि भाई कैट गिर ना जाए, तो पापा ने सोचा भाई हेल्प करूं मैं। सो पापा सबसे पहले लाए सीढ़ी गार्डन के शेड से जाके, सीढ़ी लाए और क्या हुआ, दड़ाम से जाके गिर गए। फिर उन्होंने सारा खुद को ठीक किया, फिर प्लान बी ट्राई किया। प्लान बी क्या था पापा का, प्लान भी उन्होंने जंप मार के सीधे पेड़ की टहनी पे चढ़ गए और फिर वो टहनी भी गिर गई, फिर नीचे गिरे। फिर पापा ने प्लान सी ट्राई किया। प्लान सी क्या था पापा का, प्लान सी था कि गार्डन की दीवार पे चढ़ जाता हूँ। गार्डन की दीवार पे चढ़ के फिर उन्होंने पेड़ पे जंप किया। जैसे ही जंप किया, उन्होंने जंप किया बिल्ली पे और बिल्ली गई नीचे। सो बिल्ली एकदम आराम से नीचे पहुँच गई, एकदम ठीक ठाक। बिल्ली खुश हो गई कि चलो भाई नीचे आ गई, मैं इतनी देर से फंसी हुई थी। पर लास्ट में बेचारे पापा फंस जाते हैं ट्री पे ही, ठीक है। सो पापा हो गए ट्री में, पापा फंस गए ट्री में, ठीक है। सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय किट राइट, KIT किट, WRIGHT राइट। सो यही थी ये सारी पोएम। अब हम इस पोएम के थोड़े से जो हैं क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, वर्किंग विद द पोएम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, पापा क्यों श्योर थे कि वो नहीं गिरेंगे। सो फर्स्ट नंबर, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, पापा क्यों इतने ज्यादा श्योर थे कि वो गिरेंगे ही नहीं, क्यों श्योर थे डैडी। सो द आंसर इज बिकॉज He was a good climber, क्योंकि पापा बहुत अच्छे क्लाइंबर थे। क्लाइंबर का मतलब अच्छे से चढ़ पाते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, इस पोयम में ऐसा कौन सा पैराग्राफ है जो पापा का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, कि पापा बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कौन सा पैराग्राफ दिखाता है। सो आंसर इज राइट जस्ट लीव इट टू मी, easy as winking to a climber like me। क्या बोलते हैं, which phrase in the poem expresses that self confidence best, जो पापा का self confidence है वो कौन सा phrase, कौन सी line दिखा रही है। right just leave it to me, ठीक है, कि अभी का अभी मुझ पे छोड़ दो। Easy as winking to a climber like me, ये तो मेरे लिए पलक झपकाने जैसा काम है। थर्ड, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, प्लान ए बताओ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताओ। सो आंसर, According to plan A, father would have reached the tree top with the help of the ladder. Plan A के हिसाब से जो पापा हैं वो ट्री के टॉप पे चढ़ जाएंगे, किसकी मदद से, लैडर की मदद से। हाउएवर द लैडर स्लिप्ड, पर लैडर क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, लैडर स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड।
पर लैडर क्या हो जाती है, सीढ़ी क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, सीढ़ी स्लिप हो जाती है और पापा कहाँ गिर जाते हैं, ग्राउंड पे। ठीक है, फोर्थ नंबर, प्लान सी वॉज सक्सेस, वॉट वेंट रॉन्ग देन। अगर प्लान सी सक्सेस था, अगर प्लान सी सच में सक्सेस था तो गलत क्या हुआ? आंसर, अगर प्लान सी सक्सेस था तो गलत क्या हुआ? प्लान सी क्या था? जब पापा ने दीवार की मदद से कूद गए। सो इवन दो प्लान सी वॉज अ सक्सेस, भले ही प्लान सी एक सक्सेस था, मतलब पापा को सक्सेस मिली प्लान सी में, इट डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान्ड। मतलब प्लान सी भले ही सक्सेस था पर वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली, मतलब वो प्लान वर्क नहीं किया। क्यों क्यों वर्क नहीं किया प्लान? द मोमेंट द फादर द मोमेंट द फादर रीच्ड द ट्री टॉप, मतलब जैसे ही पापा ट्री के ऊंचाई पे चढ़े, द कैट जम्प्ड। वैसे जैसे ही पापा चढ़े, कैट ने क्या किया? जंप मारा। द कैट जम्प्ड, कैट ने क्या किया? जंप मारा। द कैट जम्प्ड एंड टच्ड द ग्राउंड, कैट ने जंप किया और टच किया ग्राउंड को। एंड वॉज अगेन आउट ऑफ फादर्स रीच। ठीक है, कैट ने ग्राउंड को टच किया और फिर पापा के जो कैट वो जम्प्ड एंड टच द ग्राउंड एंड वॉज अगेन आउट ऑफ फादर्स रीच, मतलब पापा उसको आखिर भी पकड़ नहीं पाए, वो फिर से नीचे भागे। खैर पापा को पकड़ना नहीं था, पापा को तो बचाना था, पर हुआ क्या, वो जंप मार गई। फिफ्थ क्वेश्चन, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। कैट क्या था? बहुत ही खुश हो गई थी ग्राउंड पे आके। पिक आउट द फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। देखो, कैट जो थी वो बहुत ज्यादा खुश थी ग्राउंड पे आके। ठीक है, कैट बहुत ज्यादा खुश थी ग्राउंड पे आके। सो ये वाली चीज कैसे एक्सप्रेस हुई है? सो आंसर, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। ठीक है, मुस्कुरा के और एकदम स्माइल कर रही थी, हंस रही थी। सो कैट, इससे दिख रहा है कि कैट क्या है, बहुत खुश है ग्राउंड पे आके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Describe the cat and the dad situation. Cat की और dad की situation in the beginning, शुरू में, and at the end of the poem, and at the end of the poem. जो डैड की सिचुएशन है वो शुरू में और आखिर में कैसी थी पोएम की? सो आंसर, एट द ऑनसेट, जब शुरुआत थी, मतलब जब शुरुआत हुई थी, द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री। द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री, कैट कहाँ फंस गई थी? ट्री में फंस गई थी। एंड फादर वॉज कॉन्फिडेंट, पापा को एकदम कॉन्फिडेंस था
टू बी एबल टू ड्राइव इट अवे, पापा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं आखिर इसे नीचे उतार ही लूंगा। बाय द टाइम द पोयम एंडेड, पर जैसे ये पोयम एंड हुई, बाय द टाइम द पोयम एंडेड द कैट वॉज फ्री, तो जैसे ही पोयम एंड हुई द कैट वॉज फ्री, सो कैट क्या हो गई, एकदम फ्री हो गई। एंड द फादर गॉट स्टक इन द ट्री, सो कैट क्या हो गई, फ्री हो गई और पापा फंस गए वहां पे, मतलब फ्री इन द सेंस कैट नीचे आ गई और पापा ऊपर ही रह गए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ नंबर वाई एंड वेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग, कब और क्यों पापा ने ये सब बोला, फर्स्ट फॉल, सेकेंड नेवर माइंड, थर्ड फनी जोक, फोर्थ रबिश, कब और क्यों पापा ने ऐसा बोला, फॉल नेवर माइंड फनी जोक रबिश, कब और क्यों बोला पापा ने, पापा ने फॉल कब बोला, सो पापा ने व्हेन हिज वाइफ वॉर्न्ड हिम अगेंस्ट फॉलिंग, जब उनकी बीवी ने उनको वॉर्न किया कि वो गिर जाएंगे, फादर विद अ ग्रेट सरप्राइज, पापा ने एकदम सरप्राइज के साथ क्या बोला, सैड फॉल, पापा ने एकदम सरप्राइज के साथ क्या बोला, फॉल। सेकेंड नेवर माइंड कब बोला, नेवर माइंड Having fallen to the ground, मतलब जब वो ग्राउंड में फॉल हो गए, ग्राउंड पे गिर गए, the father did not give up, पापा ने क्या किया, पापा ने give up नहीं किया, father did not give up, and ब्रशिंग द डर्ट, पापा ने क्या किया, पापा जो है डर्ट को ब्रश करने लगे, मतलब गंदगी को हटाने लगे, फ्रॉम हिज हेयर एंड क्लोथ्स एंड सेड नेवर माइंड, मतलब नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, सो ब्रश ऑफ करना मतलब धूल को हटाना। फनी जोक कब बोला पापा ने, फनी जोक, थर्ड सो व्हेन हिज वाइफ अगेन वॉर्न्ड हिम अगेंस्ट फॉलिंग, While he was executing plan B, he found his wife's warning to be a funny joke. मतलब जब वो उनकी बीवी ने उनको फिर से वॉर्न किया कि भाई तुम गिर जाओगे,
जब वो अपना प्लान भी एग्जीक्यूट कर रहे थे, एग्जीक्यूट करना मतलब प्लान भी यूज कर रहे थे, ही फाउंड हिज वाइफ्स वार्निंग्स टू बी अ फनी जोक. जब उसको उसकी वाइफ कह रही थी संभालो संभालो फिर से मत गिर जाना, तो उनको ये सारी उनकी बीवी की वार्निंग लग रही थी फनी जोक. फोर्थ, रबिश कब बोला पापा ने? आफ्टर द सेकेंड फॉल व्हेन हिज वाइफ इंटरवीन्ड, मतलब दूसरी बारी गिरने के बाद जब उनकी बीवी ने इंटरवीन किया, इंटरवीन मतलब दखल दिया, सेइंग दैट ही माइट ब्रेक हिज नेक. बीवी ने क्या बोला कि तुम अपनी गर्दन तोड़ दोगे. ही अगेन डिसमिस्ड, उन्होंने ये बात भी खारिज कर दी, डिसमिस कर दी हर कंसर्न, उन्होंने ये बात भी खारिज कर दी बाय सेइंग, क्या बोल के खारिज कर दी, बाय सेइंग रबिश. रबिश मतलब भाई बकवास मत करो, ऐसा बोल के उन्होंने ये बात भी खारिज कर दी. एट्थ, डू यू फाइंड द पोयम ह्यूमरस, क्या तुम्हें ये पोयम ह्यूमरस लगती है, बहुत ही खेल मतलब मस्ती वाली लगती है, मस्ती नहीं हंसी वाली, ठीक है, ह्यूमर वाली लग रही है, हंसी वाली लग रही है. रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ, क्या तुम्हें ये पोयम मस्ती मजाक वाली लग रही है, वो वाली पॉइंट्स बोलो जिससे तुमको पढ़ के हंसी आई है. सो आंसर क्या है, ऑफ कोर्स द पोयम इज फुल ऑफ ह्यूमर, द नरेटर्स फादर फॉलिंग ओवर एंड ओवर अगेन वॉज क्वाइट ह्यूमरस. देखो पोयम है, ये पोयम फुल ऑफ ह्यूमर है, फुल ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब मस्ती मजाक वाली है. जो नरेटर के पिता हैं वो घड़ी घड़ी गिर रहे हैं, घड़ी घड़ी गिर रहे हैं, और इसी में ही मजा आ रहा है, मतलब पोयम में इसी में ही मजाक किया हो रही है जब पापा घड़ी घड़ी गिर रहे हैं. कौन सी दो लाइन पढ़ के आपको बहुत हंसी आई? सो पहली लाइन ए, द कैट गेव अ येल, कैट जोर से चिल्लाई एंड स्प्रैंग द ग्राउंड, मतलब और कैट चिल्लाई और ग्राउंड पे आके गिरी, स्प्रैंग टू द ग्राउंड. बी, इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, मतलब क्या हुआ, इट स्लिप्ड मतलब स्लिप हो गई, और वो कहाँ स्लिप ब्रांच नहीं, वो स्लिप हो गई थी, और पापा के कहाँ गिरे, सीधा फ्लावर बेड, सीधा गार्डन में आके गिरे. अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स डस द नरेटर्स फादर ट्राई टू क्लाइंब द ट्री, नरेटर के पिता ने कितनी बारी ट्री को चढ़ने की कोशिश की, कितनी बारी चढ़ने की कोशिश की, द
नरेटर, नरेटर मतलब वो जो लड़की जो पूरी स्टोरी सुना रही। नरेटर्स फादर ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री थ्राइस। कितनी बारी कितनी बारी चढ़ने की कोशिश की? 3 बारी। टू डू सो ही एग्जीक्यूटेड प्लान ए बी एंड सी। ठीक है, ये करने के लिए उन्हें क्या एग्जीक्यूट किया? प्लान ए बी और सी। सेकंड, स्टेट द एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्री। ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा? वॉबली। वॉबली हमने पढ़ा था ना, वॉबली ट्री। वॉबली मतलब अनस्टेडी, मतलब जो स्टेडी नहीं है। थर्ड, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर्स फादर गेट द लेडर। नरेटर के पापा को लेडर कहाँ से मिली? नरेटर के पापा को लेडर मिली गार्डन शेड से। कहाँ से? गार्डन शेड, गार्डन का स्टोरूम भी बोल सकते हो। ठीक है, फोर्थ नंबर, व्हाई डिड प्लान बी फेल। प्लान बी फेल क्यों हुआ? आंसर, फादर स्वंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच। पापा ने खुद को एक ब्रांच पे अटका लिया एंड द ब्रांच ब्रोक, और ब्रांच क्या गई? टूट। एंड द ब्रांच ब्रोक, ब्रांच टूट गई। दस द प्लान बी फेल्ड, दस द प्लान बी फेल्ड। फिफ्थ नंबर, डिस्क्राइब द टोन इन विच द नरेटर्स फादर डिसमिस्ड हिज वाइफ्स वार्निंग एवरी सिंगल टाइम। क्या बोल रहा है कि वो टोन बताओ जिसमें नरेटर के फादर ने, जो उसकी घड़ी घड़ी उसकी वाइफ वार्निंग दे रही थी, घड़ी घड़ी वार्निंग दे रही थी कि रुको 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 गिर नहीं जाना, तो पापा क्या टोन यूज कर रहे थे अपनी वाइफ के लिए? आंसर, व्हेन हिज वाइफ वॉर्न्ड हिम द फर्स्ट टाइम। जब सबसे पहली बारी उनकी वाइफ ने उनको वॉर्न किया, फादर वॉस रियली एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मतलब हैरान हो गए कि तू मेरे को वॉर्न कैसे कर सकती है। क्यों? ही थॉट हाउ अ गुड क्लाइंबर, उनको लगा कैसे एक अच्छा क्लाइंबर लाइक हिम कुड फॉल। उनको लगा कि मेरे जैसा इतना अच्छा क्लाइंबर गिर कैसे सकता है। द सेकेंड टाइम हिज वाइफ वॉर्न्ड हिम, जब दूसरी बारी उनकी वाइफ ने उनको वॉर्न किया, ही लाफ्ड एट हर। जब दूसरी बारी उनको वॉर्न किया तो वो क्या कर पड़े? हंस पड़े। ही लाफ्ड एट हर फाइंडिंग हर वॉर्निंग
टू बी अ फनी जोक। दूसरी बारी जब उनकी वाइफ ने उन्हें वॉर्न किया तो वो उन पे हंस पड़े और उन्होंने कहा भाई तू तो एक जोक बोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, डिस्कस प्लान ए बी एंड सी एंड द रीजंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव फेलियर्स। कह रहा है प्लान ए बी और सी बताओ और उसके फेलियर क्यों हुआ वो बताओ। सो अकॉर्डिंग टू प्लान ए क्या था? प्लान ए था फादर वुड हैव रीच्ड द ट्री। पापा को कहाँ चढ़ जाना था? ट्री पे चढ़ना था। रीच्ड द ट्री टॉप, पापा को ट्री पे चढ़ जाना था विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। विद द हेल्प ऑफ द लैडर, पापा को ट्री पे चढ़ जाना था सीढ़ी की मदद से। हाउ एवर द लैडर स्लिप्ड, पर जो वो सीढ़ी थी वो स्लिप हो गई एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, क्या हुआ? सीढ़ी एकदम से स्लिप हो गई और पापा कहाँ गिर गए? ग्राउंड पे। फाइनली सो मतलब ए में ऐसे हुआ, फिर अकॉर्डिंग टू प्लान ए फादर वुड हैव रीच द ट्री टॉप विद द हेल्प ऑफ लैडर, हाउएवर द लैडर स्लिप्ड एंड फादर फेल। ठीक है, फिर दूसरा देन, फाइनली नहीं, देन ई थॉट ऑफ प्लान बी। ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन द ब्रांच वो क्या हुआ? उन्होंने खुद को ब्रांच पे अटका दिया। ठीक है, ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन द ब्रांच बट द ब्रांच ब्रोक, तो ब्रांच क्या हो गई? टूट गई। एंड फादर अगेन फेल इन ऑन द ग्राउंड, तो पापा कहाँ गिर गए? ग्राउंड पे गिर गए। और थर्ड फाइनली मतलब प्लान क्या प्लान था और क्या फेल हो गया। फाइनली ही थॉट ऑफ प्लान सी, फाइनली उन्होंने कौन सा प्लान सोचा? तीसरे प्लान के बारे में सोचा। ही थॉट ऑफ क्लाइंबिंग उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्लाइंब करूं, क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। उन्होंने सोचा कि मैं गार्डन की वॉल पे चढ़ जाऊं। हाउएवर इवन दैट डिड नॉट वर्क एज प्लान्ड, मतलब ये भी नहीं चला। ठीक है, ये प्लान भी काम नहीं करा। द मोमेंट द फादर रीच्ड द ट्री टॉप, तो जैसे ही पापा ट्री पे चढ़े, ट्री टॉप, द कैट जम्प्ड एंड टच्ड द ग्राउंड, मतलब जैसे ही कैट जंप करती है और ग्राउंड को टच करती है, टच द ग्राउंड एंड वॉज अगेन आउट ऑफ फादर्स
रीच, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहा है, मतलब तीनों प्लान बताओ, कौन कौन से प्लान किए गए और क्यों फेल गए। सो प्लान ए, फादर को ट्री के टॉप पे पहुंचना था लैडर की मदद से, पर लैडर स्लिप हो गई, पापा गिर गए, प्लान ए फेल। देन ही थॉट ऑफ प्लान बी, प्लान बी सोचा। ई स्वंग हिमसेल्फ ऑन द ब्रांच, वो ब्रांच पे चढ़े पर वो ब्रांच टूट गई, टहनी टूट गई, फादर फेल, फिर से गिरे। फाइनली ही थॉट ऑफ प्लान सी, फिर प्लान सी सोचा। ही थॉट ऑफ क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, उन्होंने सोचा कि भाई गार्डन की दीवार चढ़ लेता हूँ। हाउएवर इवन दैट डिड नॉट वर्क एज प्लान, पर वो भी प्लान के हिसाब से नहीं चला। द मोमेंट द फादर रीच द ट्री टॉप, जैसे ही पापा ट्री टॉप पे चढ़े, द कैट जम्प्ड एंड टच द ग्राउंड, कैट ने जोर से जंप मारा और ग्राउंड पे टच किया, एंड वॉज अगेन आउट ऑफ फादर्स रीच, और वो फिर से पापा की रीत से बाहर हो गई। ठीक है, सो दिस वॉज योर पोयम, अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम। सो वी कंप्लीटेड इट, जस्ट रीड द पोयम, गो थ्रू द पोयम, राइट द क्वेश्चन आंसर्स वेरी प्रॉपरली, एंड व्हाट्सएप मी ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।